भूषण तिर्की जी के केस में आज भी हमने प्रपोज्ड इश्यूज भेज दिया था। अब उन्होंने कहा कि आज की सुनवाई बंद की जाती है, आगे की कार्रवाई जो अपना होगा करेंगे। अगर मेरा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को अलाउ करते हैं तो केस खत्म हो जाएगा। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आगे के लिए मेरी ओर से डिले ना हो, हमने सब दे दिया। ये ऑपोजिट पार्टी का क्या आपका सबमिशन एक्सेप्टेबल था, उसको वही कंट्राडिक्ट किए हो? नहीं, पिछले डेट में तो कंट्राडिक्ट किए थे जी जी, तो आज उन्होंने भी वही कहा कि जो पिछले डेट में बहस था आज भी वही है, मैंने भी वही कहा। तो आप लोग के लिए हम फिर से बोल रहे हैं, इससे क्या बाबूलाल मरांडी को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी? नहीं, मुश्किल नहीं बढ़ेगी, मुश्किल नहीं बढ़ेगी। अब देखना है कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन बाबूलाल जी ने जो दिया है उस पर आदेश क्या आता है। अभी क्या ऑब्जेक्शन हम लोगों ने दिया ना कि साहब बहुत लेट से फाइल हुए, तो सर आप लोग की तरफ से केवल यही कि लेट से फाइल हुआ है? नहीं नहीं, उसके अलावा भी जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब डिसाइड कर दिया है कि मर्जर लीगल और प्रॉपर है तो फिर वो एक संवैधानिक संस्थान है, तो उसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष भी एक संवैधानिक संस्थान है, तो दोनों में टकराव नहीं होना चाहिए, दोनों में ऐसा नहीं हो कि एक का आदेश है कि विलय सही पाया गया, ये लिखे है कि विलय सही पाया गया तो केस ही खत्म हो जाएगा, और ये लिखे है कि विलय सही नहीं पाया गया तो वो टकराव हो जाएगा दो संवैधानिक संस्थान में। और प्रदीप यादव ने और बंधु तिर्की ने केस फाइल किया हुआ है हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के विलय को मानने वाले आदेश के खिलाफ, तो हमने कहा था पिछले डेट में भी कि आप उसकी सुनवाई होने दीजिए, उसकी एक डेट पर सुनवाई हुई है, काउंटर एफिडेविट कहा गया है इलेक्शन कमीशन को फाइल करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने फाइल भी कर दिया है बहुत पहले 2021 में ही फाइल किया, तो होने दीजिए देखा जाए। तो फाइनली आज हियरिंग प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर हियरिंग कंक्लूड हो गया। अब देखिए वो क्या करते हैं, आज वो मर्जर पर कोई भी आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है, वो एपेलेट अथॉरिटी भी नहीं है। मोबाइल बंद कर लीजिए, बंद कर दीजिए जी सर। क्या ऑर्डर के लिए क्या रिजर्व? हाँ तो ऑर्डर तो आज उन्होंने सुनाया नहीं, तो देखिए ऑर्डर क्या सुनाते हैं। बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर भी क्या खतरा आ सकता है? मैंने कहा कि अभी कोई खतरा नहीं, जब वो मेरे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को अभी सुन चुके हैं क्या आदेश पारित करते हैं ये बात है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्शन मेरा मेंटेन्ड हो गया, सस्टेन हुआ, तो केस खत्म हो जाएगा या डिले होगा, वे अवेट करेगा हाईकोर्ट के जजमेंट का। तो जब तक एक संवैधानिक संस्थान का आदेश जिसमें लिखा हुआ है कि मर्जर वैलिड है, लीगल है, उसके खिलाफ इन्हें नहीं लिख दें कि इनवैलिड है, इलीगल है, वो उसके अपीलेट अथॉरिटी नहीं है विधानसभा अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इन लोग को विधायक के रूप में लिस्ट बना के भेजता है कि ये लोग रिटर्न कैंडिडेट्स घोषित हुए इलेक्टेड कैंडिडेट्स यही लोग 81 हैं, उन्हीं के ऑर्डर के खिलाफ ये कैसे चले जाएंगे? 6 तारीख को जो रिजर्व रखा गया उस पर कुछ आया और? नहीं 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 जी, एक्चुअली दोनों एक ही प्रोसीडिंग है, मैंने पहले भी कहा था कि एक साथ सुना जाए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं दो का हम सुनवाई पहले करेंगे, दो का बाद में करेंगे, उनकी मर्जी उनका कोर्ट है। तो नेक्स्ट डेट वगैरह कुछ जी नहीं, उनके यहाँ से फिर आता है लिखित में चिट्ठी आती है नेक्स्ट डेट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।